हेलो दोस्तों, दीव में दीव के किले का दौरा करने के बाद आज हम आ गए हैं नागावा बीच जाते हुए रास्ते में आने वाले डायनासोर पार्क में। तो दोस्तों, ये है डायनासोर पार्क का पार्किंग एरिया। यहाँ पे दो बड़े डायनासोर की प्रतिमाएं हैं, जो वाकई काफ़ी हद तक असली जैसे ही लगती है। बच्चों को इन्हें देखने में यकीनन बहुत मज़ा आएगा। ये जगह केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि ये जगह बीच से जुड़ी हुई है। डायनासोर पार्क इसके ठीक पीछे की ओर बीच है, जहाँ पर बच्चे हो या कपल, आप आराम से बैठकर समुद्र की ऊंची लहरों का मजा ले सकते हैं। इस जगह को फिर से डेवलप करने की सख्त जरूरत है। यहाँ पे कई सारे झूले हैं, लेकिन इन झूलों में ना तो सीट है ना ही कोई चेन, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चों के लिए कई सारी खेलने की सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के लिए बनाई हुई स्लाइड के बने हुए पुल में यहाँ पे गोरैयाओं ने अपना घर बनाया है। गोरैया यानी के स्पैरो, और ये बहुत ही खूबसूरती से यहाँ आवाज निकलते हुए आसपास घूमती हुई नजर जरूर आएगी। बच्चों के लिए यहाँ छोटी छोटी राइड्स हैं, इनके अलावा जिराफ स्लाइड, बॉल हाउस आदि जैसी खेलने की जगह उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं टीरेक्स 65 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस अवधि के अंत में पृथ्वी पर घूमा करते थे। टीरेक्स एक गंभीर रूप से भयानक और बड़ा जानवर था, जो 12 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा था। 50 से 60 किलो के आकार के दांतों से भरपूर ये माहिर खाने वाले अपने शिकार के लगभग 100 किलो मांस को एक ही टुकड़े में चीर सकते थे। टीरेक्स एक सुपर स्मार्ट डायनासोर था। अन्य विशाल मांसाहारियों की तुलना में दो गुने बड़े मस्तिष्क वाला ये एकमात्र डायनासोर था। इस घातक डायनासोर के दो छोटे पंजे वाले हाथ, जो लंबाई में 1 मीटर से भी कम है, वो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। टीरेक्स को आपने जुरासिक पार्क फिल्म में जरूर देखा होगा। उस फिल्म में टीरेक्स को काफी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। अमेरिका के साउथ डकोटा में 20 साल पहले खोजा गया अब तक का सबसे बेहतरीन टीरेक्स का कंकाल 1997 में शिकागो में एक संग्रहालय को लगभग 5 मिलियन पाउंड में यह टीरेक्स का कंकाल बेचा गया था। यहाँ के पिजन काफी बहादुर है। क्या उन्हें थोड़ा भी अंदाजा होगा कि ये किस चीज के मुंह में बैठे हुए हैं? और स्पैरो को तो क्या कहना, स्पैरो तो इस टीरेक्स के पेट में घोंसला बनाए हुए हैं। अब बोलिए, बड़ी अजीब चीजें देखने को मिल रही है। ये सारे हास्यास्पद नजारे देखकर मुझे तो मजा ही आ गया। दोस्तों,
टीरेक्स के अलावा यहाँ पर ब्राचियोसोरस, जो उस जमाने का सबसे लंबा शाकाहारी डायनासोर हुआ करता था, जिसको आपने जुरासिक पार्क पार्ट 3 में जरूर देखा होगा। ब्राचियोसोरस के अलावा यहाँ एक बड़ा सा लॉबस्टर है, जिसे देखकर हर नॉनवेज खाने वाले लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। दोस्तों, ये है पोठिया दादा का मंदिर। इस जगह को डायनासोर पार्क के अलावा पोठिया दादा पार्क भी कहा जाता है। पोठिया दादा मंदिर के बिल्कुल सामने से बीच का सुंदर नजारा दिख सकता है, और बीच पे जाने का रास्ता भी ठीक मंदिर के सामने से ही है। ये बीच बहुत ही सुंदर है। यहाँ की लहरें काफ़ी तूफानी है, और यह दीव के नागोवा बीच से काफ़ी अलग है। यहाँ के बीच पे आप दरियाई रेत से ज़्यादा पत्थरों को ज़्यादा पाएंगे। दोस्तों, जब भी आप दरिया किनारे बड़ी लहरों को देखें, तब याद रखिए कि यह जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन में भरी खुशियों के बारे में दर्शाता है, जिनकी किसी भी बड़ी लहर से कम नहीं होती। ये लहरों की तरह शांत भी हो सकती है और बड़ी भीषण भी हो सकती है। सो बी पॉजिटिव। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन को ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डॉल्फिन ज़रूर दिखेगी ही दिखेगी। बस आपको ध्यान से नज़र रखनी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पानी की सतह पर नहीं रहती। यहाँ से हमें डॉल्फिन काफ़ी बार दिखी, हालांकि वो काफ़ी अंदर थी, फिर भी किसी तरह मैंने उसे अपने कैमरा में शूट कर ही लिया। दोस्तों, डॉल्फिन बहुत ही लाजवाब मछली है, ये हर किसी को पसंद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप डॉल्फिन को किसी भी एक्वेरियम में देखने जाए, तो उन्हें अपना हाथ बिल्कुल मत दिखाइएगा। अभी हाल ही की एक घटना बनी है, जो कि यूक्रेन के एक्वेरियम की है, जहां पर 6 साल के बच्चे को डॉल्फिन ने खाने की लालच में काट लिया। वैसे देखा जाए तो डॉल्फिन को इस तरह एक्वेरियम में रखना मेरे उसूलों के खिलाफ है। हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, isn't it right? मैं और बीच मतलब लव एट फर्स्ट साइट। दोस्तों, बीच हमेशा एक जगह नहीं होती, कभी कभी यह एक एहसास होता है। क्या आप बीच का फुल फॉर्म जानते हैं? बीच का फुल फॉर्म होता है बेस्ट एस्केप एनीवन कैन हैव। दोस्तों, इस बीच पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है, ऐसा मैंने सुना है। तो जब तक आपके बच्चे खेल रहे हो, आप सनसेट का मजा ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ मिनी हनीमून पे आए हैं और शांति से अपना समय बिताना चाहते हैं, तो ये जगह नागोवा बीच से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ ना कोई वाटर स्कूटर की खीट पीट है, ना किसी वाटर राइड से आती हुई चिल्लाने की आवाज़ें।
बस इन बड़ी बड़ी लहरों में खो जाए। ऑल यू नीड इज गुड डोज ऑफ विटामिन सी। दोस्तों बाहर जाते वक्त आपको एक दुकान दिखेगी जहां से आप समुद्री मोती, प्रेशियस स्टोन्स और शंख जैसी चीजें खरीद सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने का वक्त हो गया है। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम। ओह एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।